नमस्कार। टीवी और इंडिया के फेस टू फेस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी जैसा होता है मन वैसा ही होता है जीवन। लेकिन सच ये भी है कि हर व्यक्ति को मन की भाषा या मन की पीड़ा पढ़ने नहीं आता। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी खास मेहमान है जिनको न सिर्फ मन की भाषा पढ़ने आता है बल्कि मन से पैदा हुई मुश्किलों का समाधान भी आता है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं साइकोलॉजिस्ट इंद्रप्रीत कौर गुप्ता जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है मन की पीड़ा और मन की भावनाओं को पढ़ने का एक विज्ञान है जी। आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपका नजरिया क्या है कि एक्चुअली मनोविज्ञान है क्या, लोग कैसे इसको समझें कि एक्चुअली क्या इसकी अहमियत कितनी है? मनोविज्ञान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है और कई लोग आकर मजाक और मस्ती में भी हमसे कहते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप तो फेस पढ़ सकती होंगी, तो शक्ल देखकर बता दीजिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। जबकि सच है कि हम फेस रीड नहीं कर सकते। एक डॉक्टर की तरह जैसे आप अपनी परेशानी जब हमसे शेयर करते हैं, हम उसके बेसिस पर अपना फीडबैक आपको देते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक का काम है आपकी पीड़ा समझना, आपके मन की स्थिति समझना, आपका व्यक्तित्व ऐसा क्यों है उसे समझना, क्या चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तित्व को बनाती हैं। हम साइकोलॉजी में एक थ्योरी पढ़ते हैं नेचर एंड नर्चर की, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे इंसान लेकर पैदा होता है, कुछ क्वालिटीज, और कुछ आती हैं जो हमें परवरिश और संस्कारों के साथ साथ मिलती हैं। तो वो चीज़ है जो आपका व्यक्तित्व बनाता है, हम वो समझते हैं। अक्सर जब देखा जाता है कि कारोबार में घाटा हो या कोई प्रोजेक्ट डूब गया हो या कोई एग्जाम में फेल हो गया हो या नौकरी चली गई हो जी, तो ये सब डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है जी। इसके वास्तविक संकेत कैसे मिलते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया है या कोई पीड़ा झेल रहा है लेकिन बाहर नहीं दिख पा रहा है? सर, डिप्रेशन का ऐसा है कि इसमें आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक वो जो बहुत हंसते खेलते हैं और एकदम से जिनकी जिंदगी में ब्रेक लग गया, एकदम चुपचाप से हो गए, जिन जो चीज़ें करने में उन्हें डेली बेसिस पे बड़ी खुशी मिलती थी उन चीज़ों पे सडनली उन्होंने रोक लगा दिया और वो सब बंद कर दिया करना, उन्हें उन चीज़ों में अब मज़ा नहीं आता। और एक वो होते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो उन ऐसे लोगों से डिप्रेशन की बातें निकलवाना या उनके मन में उस वक्त क्या चल रहा है वो समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। पर ऐसी जगह पर आपको ये चीज ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए कि कम्युनिकेट करें, बात करें लोगों से, उनसे पूछें अगर तुम चुप हो तो इतने चुप क्यों हो, और तुम इतना मुस्कुरा रहे हो तो क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या 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 है जो आपको ये करने पे मजबूर कर रहा है। तो वो बातों बातों में हंसता मुस्कुराता इंसान, फिर आंसुओं का झरना जब बहता है तो वो टिश्यू पेपर के बॉक्स खाली हो जाते हैं हमारे तो वैसा होता है। तो बिल्कुल आप ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, सिर्फ जो चेहरे पर है उस हिसाब से ना जाएं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आपको सामने जो दिख रहा है कई बार असलियत में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादातर ये होते हैं कि आपको सबसे पहले नामोशी, होपलेसनेस कहते हैं जिसे, बिल्कुल आप जिंदगी से बिल्कुल नामोश हो जाएंगे। जो हो रहा है उसके लिए खुद को गिल्टी मानेंगे कि जो है मेरी वजह से है, शायद मैं उसे ठीक से टैकल नहीं कर पा रहा। तीसरी बात, आपको खान पान में बहुत डिफरेंस दिखेगा, या इंसान बहुत ज्यादा खाता या बहुत कम खाता हुआ नजर आएगा। अच्छा। तीसरी, चौथी चीज, नींद में कमी या बढ़ोतरी, बहुत ज्यादा सोएगा या बहुत कम सोएगा, बिल्कुल इंसोमनिया का शिकार हो जाएगा। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए। डिप्रेशन में कई बार आपको बहुत लोग रोते हुए भी दिखेंगे। हमारे साथ एक चीज इंडिया में बहुत कॉमन है जो मैं हाईलाइट करना कि हम ना एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, पेट्रियाकल सोसाइटी कहते हैं जिसे। तो दिक्कत यह है कि यहाँ पे लड़कों को रोने के लिए मना किया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम स्ट्रांग हो, क्या तुम लड़की हो, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो चीज जो है, मैं चाहती हूँ कि लड़के भी ये चीजें बाहर लेकर आए। आपको रोना है, रोइए, आप भी तो इंसान है। वो फीलिंग्स जो दूसरे जेंडर को फील होती है वो आपको भी होती है। लड़कियों के साथ एक फायदा हमें ये है कि हम रो लेते हैं तो चल जाता है, बट लड़के जब रोते हुए नजर आते हैं तो उसे बहुत ही यू नो एक ऐसी सिचुएशन मानी जाती है कि बिल्कुल टाबू हो गया, बॉयकॉट हो गया, तुम कैसे रो रहे हो। तो वो बिल्कुल है जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और अपने बेटों को खास करके ये समझाएं कि इमोशंस दिखाएं, वो बहुत ज़रूरी हैं। वरना ऐसा होता है कि वो दबाते दबाते इमोशंस इंसान प्यार दिखाना भी भूल जाता है। वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि देखिए पीड़ा तो सबको होती है, ये सच्ची बात है, बट वो एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वो
बयान कर पाना या उसका खुलासा नहीं हो पाता है कि एक्चुअली वो पीड़ा में है, वो रो भी नहीं सकता है। अगर रोता है तो सही बात है, ये कई बार देखने के लिए मिला है, बोलते हैं लोग यार क्यों औरतों की तरह या लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो खुलना चाहिए दिल से, तब जाके शायद ये पीड़ा कम होती है। मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि जब उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है या बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, टेंशन होता है, तो वो बियर पीते हैं और उससे उनका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्या आप मानती हैं कि नशा या शराब पीने से डिप्रेशन का सही ये तरीका है उसको खत्म करने का? सर, हमने जब साइकोलॉजी की पढ़ाई की थी तो आपने बहुत मान ये जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है बेसिकली, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड, उनका नाम सुना होगा। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी प्लेजर और पेन प्रिंसिपल की, कि इंसान जब परेशानी में होता है तो उससे दूर भागता है और हमेशा ऐसी चीज़ें ढूंढता है जो उसे सुकून दें। तो ये जो नशा है ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, बहुत मोमेंटरी सोल्यूशन है। पर दिक्कत ये है कि हमेशा हम ये भूल जाते हैं कि दिमाग भी हमारी बॉडी का हिस्सा है और किडनी भी। तो दिमाग ठीक करने के चक्कर में किडनी तो मत उड़ाइए, ठीक है? तो दोनों ही बहुत जरूरी है और अपना ये ध्यान में जरूर रखें कि आप हमेशा अपनी बॉडी का हर तरीके से ध्यान दें। जितनी फिजिकल फिटनेस जरूरी है उतनी मेंटल स्टेबिलिटी भी जरूरी है। और शराब पीने से या किसी तरीके का भी नशा करने से दिक्कत ये आएगी कि आपका माइंड जो है वो उस तरीके से काम नहीं करेगा, उतना अलर्ट नहीं होगा जो आप वैसे जब सतर्क होते हैं, जो जनरली कॉन्शियस कहते हैं हम जिसे, जैसे जब आप कॉन्शियस होते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता वैसे भी आधी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे? तो मेरे हिसाब से किसी तरीके का भी नशा एक बहुत ही खराब चीज़ है और इसकी जगह पे आप दूसरे तरीके का नशा कर सकते हैं, जैसे कि जिंदगी पे नशा, ठीक है, बी हाई ऑन लाइफ कहते हैं जैसे, जिंदगी का नशा करें, मेडिटेशन का नशा करें, पूजा पाठ का करें, हंसी का नशा करें। मैं इस सवाल पे आ रहा था एक्चुअली, जो आपने ऑलरेडी जोड़ दिया उसमें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जैसे कि आपने कभी खबरों में देखा होगा कि जब हाई डिप्रेशन होता है या कोई बड़ी बड़ी घटना उनके साथ हो जाती है तो वो उससे लड़ने की बजाय वो आत्महत्या चुन लेते हैं। हालिया जो अभी मामला आया है, जो सुशांत सिंह और से तमाम ऐसे के मामले हैं कि जब हाइपरटेंशन या हाई डिप्रेशन के शिकार लोग, जैसा बताया जाता है, कि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इससे उबरने का, इससे मुक्त होने का सबसे सही तरीका क्या है? क्या स्पिरिचुअल जो प्रेयर है वो इसमें कारगर है, किसी तरह का आर्ट या पेंटिंग इसमें फायदेमंद है, या डांसिंग या जो म्यूजिकल जो थेरेपी बोलते हैं उस तरह की चीज़ों को अपनाने से इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है, खासकर आत्महत्या जैसी चीज़? सर, इस पे आने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सुशांत सर से मिलने का मुझे पर्सनली एक बार मौका मिला था और सुशांत सर एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। मैं उनके साथ हार जोड़ना भी शायद मुझे इस वक्त बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि इतना एक ऐसा इंसान जो जिंदगी को इतना गले लगा के चलता था, उसके साथ सुसाइड की थ्योरी सर बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो अभी खैर जो स्पेकुलेशंस है या जो भी न्यूज में है, बट इतना मैं आपसे कह सकती हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सुसाइड करके ऐसा मैसेज छोड़ के जाएंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगी कि वो सुसाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपका सवाल है उस पर आते हैं, डिप्रेशन को दूर करने के बहुत तरीके हैं, जो स्पिरिचुअल आपने कहा, जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि भगवान के नाम से ज़्यादा पॉजिटिव दुनिया में कोई चीज़ है, क्योंकि जब हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो हमारे आसपास एक ध्वनि कंपन बनता है, उस ध्वनि से आपके आसपास एक रक्षा कवच बनती है जिसे पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी कहा जाता है। तो वो बिल्कुल आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम है हर प्रॉब्लम से डील करने का। उसके अलावा हमारे पास और बहुत ऑप्शंस है, जैसे कि आर्ट थेरेपी हो गई, फिर पेट थेरेपी है जिसमें आप अपने पेट्स के साथ खेल सकते हैं। एक पेट ले लीजिए घर पे जो आपका आपको बहुत एंजाइटी से बचाता है। अगर आप का स्केड्यूल ऐसा है कि आप पेट नहीं रख सकते तो आजकल ऐसे पेट कैफेज खुल गए हैं जहाँ पे आप वीकेंड पे जाके आप पेट के साथ थोड़ा सा समय बिता सकते हैं। थोड़ा उनके बीच आप एक कप कॉफी पीजिए, उनके साथ थोड़ा खेल कर लौट आइए, तो ये चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली काफ़ी रिलैक्स रखती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डांस कर सकते जैसा आपका इंटरेस्ट है, जो जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता है, चाहे वो एक घर पर ही एक मसाला नंबर लगा के उस पर नाचना क्यों ना हो, चाहे दोस्तों के साथ शांति से बैठ कर एक कप कॉफ़ी पीना हो। तो बस ये जरूरी है कि आप हमेशा ये समझें कि आप अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करें, जो आपके मन में चल रहा है उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है और यही तरीका है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा अभी पिछले 5-6 महीनों से तक लॉकडाउन चल रहा है, तमाम इलाकों में कंपनी कारखाने बंद हो गए हैं, काम धंधा बंद हो गया है, नौकरियां चली गई हैं लोगों की, आप इसे कितना
कितना खतरनाक मान रही हैं कि इससे लोगों का डिप्रेशन हो सकता है, तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि आर्थिक संकट है जी, तो ऐसे में एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आपको इसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव नज़र आ रहा है? सर, इम्पैक्ट तो नेगेटिव है और मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है, जो बिजनेस वगैरह में भी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी परेशानियां भी देखी हैं। पर इस पर मुझे ना एक वाकया, एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है कि हम सब जानते हैं कि बीरबल जी कितने बुद्धिजीवी थे, तो अकबर ने उनसे एक दिन कहा कि बीरबल कुछ ऐसा कहिए जिससे एक साथ मेरी आँखों में आंसू भी आ जाएँ और चेहरे पर मुस्कान भी। तो बीरबल बोले, ये वक्त गुजर जाएगा। तो बस वही है, मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि एक छोटा सा समय है, एक कठिन समय है जो सारी दुनिया पर ही है, आप इसमें अकेले नहीं हैं। तो आर्थिक स्थिति जो है उसको कॉम्बैट करने के ये तरीके हैं कि अगर आपकी जॉब चली गई है तो आप तुरंत कोई और जॉब ढूंढें, चाहे आपको उस सैलरी की नहीं मिले, उससे कम भी मिले तो भी। डिग्निटी ऑफ लेबर का इस वक्त ध्यान रखें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इकोनॉमिक शटडाउन में जिस तरीके से भी आपको घर चलाने का माध्यम मिले उसे ज़रूर करें, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें कि एक चीज़ चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती या ज़िंदगी रुक नहीं गई है, ये छोटा सा अल्प विराम है, फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, हमेशा लाइफ आगे बढ़ती रहती है। बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन आज के दौर में चल रहा है, जब से क्लासेस बंद हुए हैं कोरोना संक्रमण के भय से, जिन बच्चों को हम इसलिए स्मार्टफोन्स या टैब नहीं देते थे या कंप्यूटर के नज़दीक नहीं जाने देते थे कि उससे उनकी गलत संगत होगी, गलत विचार जो है इंटरनेट के जरिए आ सकेंगे, लेकिन हालात इस तरह के बदले हैं कि हम अपने बच्चों को खुद स्मार्टफोन और टैब खरीद के दे रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए वो कंपलसरी हो गया है। जी बिल्कुल। आपको इसमें कोई ऐसा प्रभाव नज़र आता है कि आने वाले समय में ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है? सर, एक्चुअली ना कहते हैं किसी भी चीज़ की अति खराब होती है, तो आप हर चीज़ अगर कंट्रोल में करेंगे तो उसके बहुत फायदे हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे मैं खुद ऑनलाइन एजुकेशन में हूँ, मैं खुद ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, मेरी एक कंपनी है पर्सनालिटी इंडिया जो मैंने एजुकेशन पोर्टल खोल रखा है। उसके अलावा मेरे थेरेपी सेशंस भी आजकल जो हैं वो सारे ही ऑनलाइन चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप क्लाइंट से डायरेक्टली तो मिल नहीं सकते, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पर एक चीज़ जो मैंने देखी है कि टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे फीचर्स भी हैं, उसमें पेरेंटल लॉक है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक टाइम बाउंड कर रख सकते हैं, जैसे वक्त के प्रतिबद्ध कर सकते हैं कि अगर मुझे अपने बच्चे को 2 घंटा क्लास के बाद 1 घंटा और टैब देना है पढ़ाई करने के लिए, तो 3 घंटा दिन में बेटा तुम टैब यूज करोगे, उसके बाद ये तुम मुझे लौटा दोगे, फिर तुम जाओ अपनी पेंटिंग करो या किताब पढ़ लो। तो पेरेंट्स इस तरीके से उसको कंट्रोल करके कर सकते हैं। मुझे इतनी ज्यादा इसमें हानि नहीं दिखती, उल्टा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, ऐसे माहौल में भी पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छी बात है। ये इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, लेकिन जो लोग हमारे बहुत सारे संपर्क में और परिचित हैं, वो जो दुनिया घूम कर आए हैं, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि जो दुनिया के विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पर पैसा है, सुविधाएं हैं, साधन हैं, लेकिन कल्चर नहीं है, और कल्चर नहीं होने से लोग अंदर से बहुत ही खोखले हैं। आप इसमें किस तरह का डिफरेंस मानते हैं कि क्या कल्चर इंसान को सही रास्ते पर रखता है या उसको तनाव मुक्त रखता है या पॉजिटिव रखता है, सकारात्मक जीवन जीने का जो अंदाज है वो सिखाता है कल्चर, आपका क्या मानना है? सर बिल्कुल, कल्चर आपको बहुत ग्राउंडेड रखता है, रूटेड रखता है। किसी भी तरीके की परिस्थिति में अगर आप एक कल्चर से, एक परवरिश से, एक संस्कार से बंधे हैं, तो वो आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया सिखाता है। और अगर आप वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को कंपेयर करें तो हाँ, हमारे में आज भी अगर आप 40-50 साल के हैं या आप 60 साल के हैं, आप तो भी माँ बाप के साथ रह रहे हैं, आप माता पिता के आशीर्वाद के नीचे हैं, कुछ परेशानियाँ तो परिवार तुरंत है आपकी मदद करने के लिए। वेस्टर्न कल्चर का ऐसा है कि वो 16 साल की उम्र में घर से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद सारे जो भी डिसीजंस लेने उन्होंने या जो भी करना है वो खुद करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। तो कल्चर यहाँ पर बहुत मायने रखता है, संस्कार आपको बहुत मदद करते हैं ऐसी सिचुएशन में। और लेकिन फिर भी सर, एक बात मैंने जो नोटिस की है वो ये है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टैबू है, बहुत बड़ा टैबू है, जो ठीक है संस्कार हमें बहुत चीज़ों से दूर रखते हैं, यहाँ पे पैरेलल चीज़ें भी हैं, जैसे योगा है, जैसे आयुर्वेद है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें मदद करती हैं चीज़ों से बाहर आने में, लेकिन यहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में बोलना एक बहुत बहुत कठिन समस्या है सर। मैंने मेरा वो सवाल है, इसलिए मैं उस पर आपसे आगे थोड़ा सा और डिटेल चाहूँगा कि मेंटल जो हेल्थ है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा बताएं आप जी।
मैंने पहला जब शुरुआत किया तो मैंने कहा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत जी। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि मन हमेशा जीतने वाला ही बने और आनंदित रहे? अच्छा, इसमें बहुत ये एक चीज़ है जो मैं खुद भी करती हूँ। भगवान बुद्ध हमें एक बहुत हजारों साल पहले एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा गए थे, जिसे कहते हैं, वो कहते थे कि एक मध्य बिंदु है हमारे अंदर। अच्छा। एक सेंटर पॉइंट जो आपको हमेशा बैलेंस में रखता है, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस जगाए रखता है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि अभी के समय में जो अभी है मेरे पास, मैं उसमें खुश हूँ, वो सिखाता है। और दूसरी बात सबसे जरूरी है एक्सेप्टेंस, कि जो आ रहा है आप उसे लीजिए, आने दीजिए जिंदगी में, खुली बाहों से जिंदगी का स्वागत कीजिए, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है कि पॉजिटिव है तो वही आता रहे और नेगेटिव आए तो फिर हम नामोश हो जाएं? दोनों इक्वली लीजिए, चाहे सुख की घड़ी है चाहे दुख की घड़ी है, दोनों को बैलेंस में जीना ही एक बहुत सही दिशा है। क्योंकि ऐसा है कि जब बहुत अधिक खुशी हो या अधिक दुख फील हो तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव होने के चांसेस या डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप ना बहुत अधिक खुशी फील करें ना बहुत अधिक दुख, बैलेंस में संतुलन बनाए, जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर खुशहाल रहना है तो संतुलन होना चाहिए, चाहे दुख आए या सुख आए, उसको समान भाव से स्वीकार करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं जो दूसरा मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं जी। और अक्सर कहा जाता है, खासकर मैं ये नौजवानों के बारे में मेरा ये सवाल है जी। कि वो कभी इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो जो दूसरे लोग रिश्तेदार या दूसरे जो लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, उनको कहते हैं कि भाई इस लड़के की या इस लड़की की शादी करवा दो, फिर मुझे लगता है कि इसकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि क्या नौजवानों के चिड़चिड़ेपन और उनके अवसाद का या उनके गुस्से का जो कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया साधन है वो यही है कि उनकी उनके उनकी शादी कर दी जाए? सर, ये समस्या बढ़ाने का साधन है। अच्छा। समस्या कम करने का नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जिस इंसान को बहुत गुस्सा आता है या बहुत चिड़चिड़ा है, उसके लिए एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं। शादी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? आप शादी आपकी जिंदगी का पार्ट है, एक पड़ाव है जो आपने पार करना है, आपको साथी की जरूरत है। साथ ही आपकी लाइफ में आपको कॉम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, ना कि आपकी परेशानियों के सोल्यूशन लेकर आना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से ऐसा है कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी एक्सपर्ट की मदद लें, ना कि कोई बीवी या पति घर लाकर उन पर अपने प्रॉब्लम्स थोपे, ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज सर ये है कि सामने वाला किस व्यक्तित्व का होगा ये आपको नहीं पता, नहीं पता। वो हो सकता है बहुत गुस्से वाला हो तो दो गुस्से वाले लोग मिल गए तब क्या, या सामने वाला बेचारा बहुत शांत प्रवृत्ति का हो तो फिर वो बेचारा झेलता ही रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉब्लम आधी नहीं डबल कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये करें कि आप एंगर मैनेजमेंट के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स, एंगर से जूझने के बहुत सारे तरीके सिखाए जाते हैं, जिससे आपका जिंदगी भर का ये एक सोल्यूशन बन जाता है। और वैसे भी गुस्सा अपने लिए भी अच्छा नहीं है, वो आपके लिए इतना स्ट्रेस लाता है, आपकी बॉडी के लिए इतनी दिक्कतें बढ़ाता है। तो एंगर मैनेजमेंट लीजिए, शादी नहीं। मतलब अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो इसका मतलब है कि शादी इसका समाधान नहीं है। ये जो एक्सपर्ट हैं बता रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट की राय है ये, कि जो अक्सर इसको सॉल्यूशन मान लिया जाता है। एक चीज है कि जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि डिप्रेशन खुद अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है कि कई और दूसरी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितना खतरनाक है, और इसको अगर दूसरी बीमारियों से बचना है तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन को आपको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल। क्या मान रही हैं इसको? जी बिल्कुल सर, क्योंकि डिप्रेशन में आप जब रहेंगे तो आप सारा वक्त एक नेगेटिव सिचुएशन में रहेंगे, आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव बातें सोचेगा। और डिप्रेशन वाले लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनका काम में मन नहीं लगता। जब आपका काम में मन नहीं है तो आपका खाली दिमाग शैतान का घर है, तो 10 चीजें और गलत सोचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि आप सोचते सोचते अपने आप को स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है बॉडी का, जिससे आपको 100 तरीके की फिजिकल बीमारियां होती हैं। आपके खान पान में डिप्रेशन की वजह से वैसे भी बहुत डिफरेंस आता है, नींद का वैसे भी दिमाग पे और बॉडी पे बहुत असर होता है। इन दो चीजों के असर डामाडोल होने से सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि इंसान या कभी कभी बहुत ज्यादा खा लेगा तो बिल्कुल ही भूखा रहेगा। तो
इसमें आप अपना फिजिकल बहुत नुकसान कर रहे हैं और इनके साथ साथ अगर मैं मेंटल बीमारियों की बात करूं तो हमें पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, फोबियाज बन सकते हैं, सोशल एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर. दिक्कत ये होती है कि आप जब सारा वक्त नेगेटिव रहते हैं या पैनिक में रहते हैं, आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते, लोगों से मिलना नहीं चाहते कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ मुझे ऐसा पैनिक अटैक आया. तो और पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के सिम्टम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत दिक्कत कर सकती हैं. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे मेंटल इलनेस में थोड़ी सी आपसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए था जी. आजकल अगर देखें तो जिसको भी आप देखेंगे तो हर अगर आप जांच करेंगे, खुद आपके पास बहुत सारे लोग इस तरह के आते होंगे जी. अगर 100 लोगों का अगर ऑब्जर्वेशन हम करें तो उसमें से तकरीबन 80 से 90 लोग मेंटल इलनेस के कहीं ना कहीं छोटे बड़े शिकार होते हैं जी. बिल्कुल. आप इसका समाधान क्या बताएंगे आप सर? और ये मेंटल इलनेस दरअसल कितना खतरनाक है? सर मेंटल इलनेस एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि ऐसा है कि फिजिकल इलाज, जो फिजिकल एलिमेंट है यानी कि जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए तो आप डॉक्टर के पास तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन मेंटल इलनेस के लिए पहले तो होता है कि चुप रहो, बाहर बात नहीं जानी चाहिए, घर वालों के बीच रखो. सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेंटल इलनेस को कोई मानना ही नहीं चाहता कि हमें दिमाग की परेशानी भी हो सकती है. ठीक है, सबसे अगर तुरंत ही ऐसा लगा कि हाँ अभी मुझे दिमाग की परेशानी हो सकती है तो वो सबसे बड़ा पैनिक का प्रॉब्लम बन जाता है कि अब मैं साइकोलॉजिस्ट के पास कैसे जाऊँ, मैं साइकेट्रिस्ट के पास कैसे जाऊँ, घर वालों को पता चल गया तो, बाहर वालों को पता चला तो मेरे लिए ज़िंदगी भर का वो मेरे नाम के साथ ये लग जाएगा. और सर दिक्कत यह कि सीधा ये कह देंगे कि तुम पागल हो, ये भी नहीं कहेंगे कि तुम्हें छोटी सी दिक्कत हो सकती है या कोई छोटी सी परेशानी है जिसका बात करके शायद सोल्यूशन निकल आए. वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले घर में कम्युनिकेशन बहुत रखें, आसपास क्या हो रहा है ये ज़रूर देखें, अपने घर वालों के बीच होती हुई चीज़ें, उनके किसी भी चीज़ में छोटी बड़ी चेंजेस भी अगर आपको दिखें तो उन्हें ये मत समझे कि अरे कोई बात नहीं, बैठा है, दुखी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. तो क्या हुआ, ब्रेकअप ही तो हुआ है, इसमें क्या है. पर ये चीज़ें मायने रखती हैं. एक छोटा सा चेंज आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, चाहे सामने वाले के लिए ना हो. एक वो बहुत ज़रूरी है. दूसरा पेरेंट्स का अपने बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है. तीसरा प्लीज़ बेधड़क बिंदास एक साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें. आपका दिमाग, मैं रिपीट कर रही हूँ ये बात, आपका दिमाग आपके शरीर का ही हिस्सा है. प्लीज़ उसे अपने बॉडी का ही हिस्सा समझें, उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन प्लीज़ जाके एक्सपर्ट से ही लें. घर पे आपको अगर दोस्तों से 2-3 बार बात करने के बाद, कई बार ऐसा होता है कि दिल हल्का कर लिया दोस्त के साथ तो ठीक लगता है, पर आपको 2-3 बार या 2-4 हफ्ते तक ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, आप बात करें फिर भी आपको बार बार वैसा ही लग रहा है, तो तुरंत एक्सपर्ट के पास जाएं. रैपिड फायर राउंड में आप कुछ 5-6 सवाल हैं, मैं आपसे सीधा उसका जवाब मैं चाहूंगा जी. सबसे पहला सवाल, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? दोगलेपन पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा जब मैं हिपोक्रेसी देखती हूँ, दोगलापन देखती हूँ, तब आता. सबसे ज्यादा खुशी कब आपको होती है? हरदम, मैं ज्यादातर खुशी रहती हूँ. साइकोलॉजिस्ट है इसलिए. नहीं सर, मेरा नेचर वैसे भी पॉजिटिव है. यस यस. आपका फेवरेट फूड क्या है? राजमा चावल, वो शायद सारी दुनिया को खुशी देता है. यस. आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? नेचर के करीब कोई भी जगह, खासकर मुझे इंडिया बहुत पसंद है, तो जहाँ पहाड़, पेड़ पौधे, नेचर के करीब. परिवार आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? परिवार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आज आप जो देख रहे हैं, जो आज मैं हूँ, वो मेरे परिवार की वजह से हूँ और मेरे माता पिता की मोटिवेशन की वजह से हूँ. उन्होंने हमेशा हरदम मुझे प्रोत्साहित किया है. तो जो भी आज आप सुन रहे हैं या जो भी आप आज मेरी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी आपको अब तक मैं पहुँचा रही हूँ, वो सब उन्हीं के दिए संस्कार हैं. अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं होती तो क्या होती? साइकोलॉजिस्ट नहीं होती तो क्या होती? मेरे ख्याल मैं तो अपने दिल की ही जी रही हूँ. जो मैं करना चाहती थी मैं वही कर रही हूँ. शायद प्रोफेसर होती, उसी में थी. दो इम्पोर्टेंट सवाल जी. अचानक आपके सामने ईश्वर प्रकट हो जाए और पूछे कि इंद्रप्रीत कौर जी आपको क्या आप मांगना चाहेंगी, तो आप एक चीज भगवान से क्या मांगेंगी आप? अगर भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं तो मैं उनसे हीलिंग टच मांगूंगी. ये मांगूंगी कि जो भी मेरे पास आए वो हमेशा सारे दर्द मिटा कर जाए. अगर एक दिन का आपको सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो मैं भ्रष्टाचार पे काम करना चाहूंगी. भ्रष्टाचार मिटाएंगे? जी बिल्कुल. यस, थैंक यू सो मच. ये मेरा रैपिड फायर राउंड जो है वो खत्म हो गया. आखिरी 2 सवाल और आपके लिए बचे हैं. एक कहावत है कि अगर स्वस्थ शरीर है जी तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और मस्तिष्क रहता है, लेकिन
साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है उसमें यह है कि मन और मस्तिष्क का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, तभी शरीर स्वस्थ रहता है जी। आप इसे किस तरह से मानती हैं? सर दोनों एक साथ चलते हैं, मन और मस्तिष्क। मन अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेशन में चलेंगे। अगर आप फिजिकली ठीक नहीं हैं तो आपका मन चीजों में नहीं लगेगा, और अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आप फिजिकली उठकर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये चीजें दोनों तरीके से देखी है। अगर आप को कोई जनरल बीमारी है, फिजिकली आप बीमार हैं, तो आपका मन काम में मन नहीं लगेगा, आप उठकर नहीं वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। और सिमिलरली अगर आपका मन अशांत है, आप इमोशनली डाउन है, या आप दुखी हैं किसी चीज़ से लेकर, तो आप में वो एनर्जी नहीं होगी उठकर काम करने की। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, इसीलिए मैं कहूँगी कि मन का और शरीर का दोनों का इक्वालिटी से ध्यान रखें, स्वस्थ रहना जरूरी है। किसी व्यक्ति को जो दुखी है उसको उसका जीवन जो है हंसता खेलता हुआ और आनंदित रहे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगी? सर मैंने अपनी पर्सनल जो थेरेपी की है जितनी भी आज तक क्लाइंट्स के साथ, एक चीज़ जो मैंने बहुत बारीकी से नोटिस की है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, ये ना दुनिया के लिए बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। तो हर बार मैं ये सुनती हूँ, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। तो ये एक जोक था कि चार लोग अंत में सिर्फ राम नाम सत्य ही कहते हैं। तो ठीक है, तो बस वही है, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। तो अपने दिल की सुने, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, एक जिंदगी लेकर आए, भरपूर जी कर जाए। बहुत खूबसूरत, आखिर में कोई संदेश आप नौजवानों को देना चाहेंगे? बस ये कि अपनी ड्रीम जरूर फॉलो करें, और जो आपको अच्छा लगता है वो करें, किसी प्रेशर में ना रहें, जिंदगी के जो एक्सपीरियंस हैं उन्हें पूरे मजे से लें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। छिछोरे फिल्म का एक बहुत अच्छा डायलॉग था सर कि सक्सेस के बाद की जो प्लानिंग है वो तो सब करते हैं, लेकिन फेलियर के बाद का जो है वो कोई उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि फेलियर से कैसे डील किया जाए। तो फेलियर को जिंदगी का पार्ट समझें, और मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ सर कि लाइफ में या तो सक्सेस होती है या लर्निंग होती या फिर लर्निंग होती है। तो फेलियर जैसा कुछ नहीं होता। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब जैसा कि आपने सुना कि साइकोलॉजिस्ट इंद्रप्रीत कौर गुप्ता जी ने जिस बेहतरीन तरीके से हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, और उनका जो लबोलुआब अगर कहूँ मैं कि सब कुछ, अगर जो उनकी बातचीत का निचोड़ है इस बात का है कि चाहे आपके जीवन में दुख आए या सुख आए, आप उसे समान भाव से स्वीकार कीजिए, सकारात्मक रहिए और आनंदित जीवन जीने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी बातचीत आपको खूब पसंद आई होगी। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं, या हमारे ईमेल पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए TV1 India। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।